नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ में हम सुरभि तिवारी। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे, तो उस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यूपी के वाराणसी दौरे पर सीएम भूपेश बघेल बताए जा रहे हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी उनके साथ मौजूद है। फूलपुर मार्केट और पिंडरा में सीएम की जनसभा होने जा रही है, तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस दौरान मौजूद रहेंगे। साथ ही कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी सभा की जाएगी, जहां पर फूलपुर मार्केट में जगह बताई जा रही है और पिंडरा में फिलहाल सीएम भूपेश बघेल यहाँ मौजूद रहने वाले हैं और उनके साथ में प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी मौजूद रहेंगे, जहां पर जनसभा को संबोधित करते हुए प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। फिलहाल ये खबर आपको बता रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी जनसभा करने जा रहे सीएम भूपेश बघेल। सीएम भूपेश बघेल का वाराणसी का दौरा है और उनके साथ में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी मौजूद बताई जा रही हैं। तो फिलहाल जो जनसभा होने जा रही है, ये चुनावी माहौल से बताया जा रहा है और इसी चुनावी माहौल को और अपने प्रत्याशी के पक्ष में करने की कोशिश सीएम भूपेश बघेल की तरफ से की जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल वाराणसी के दौरे पर हैं और वाराणसी में इस वक्त सीएम भूपेश बघेल मौजूद हैं और यहां उनके साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी इस दौरे के दौरान उनके साथ नजर आ रहे हैं। फिलहाल यहां पर चुनावी जनसभा बताई जा रही है और जनसभा को संबोधित करने के लिए सीएम भूपेश बघेल यहां मौजूद हैं। प्रत्याशी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आएंगे और इस पर अधिक जानकारी के साथ आकाश यादव वाराणसी से हमारे साथ संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं। आकाश, आपसे जानकारी चाहेंगे कि जिस तरीके से आज बताया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल वाराणसी के दौरे पर हैं, फिलहाल उनके दौरे को लेकर के क्या कुछ अपडेट आपके पास है? आपको बता दूं कि सुबह से ही छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बनारस में ही है। हालांकि वर्तमान में काशी विश्वनाथ दर्शन करने के बाद, ये दर्शन खुद राहुल गांधी थे, साथ में प्रियंका गांधी वाड्रा भी थी, उसके साथ साथ भूपेश बघेल बनारस के पिंडरा विधानसभा है जहां पे जनसभा होगा, उस जनसभा में मौजूद है और एक फूलपुर में जनसभा है। दो जनसभा है जहां पे खुद भूपेश बघेल मौजूद है। हालांकि बनारस के वातावरण की बात की जाए, बनारस का सियासी माहौल जो गर्म हो चुका है, जहां खुद काशी के सांसद व देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं, वही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद काशी में है, तमाम तरीके से पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे काशी में हैं, वही कांग्रेस के राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी काशी में हैं। शाम को 8 बजे से 10 बजे तक खुद अखिलेश यादव भी काशी में मौजूद रहेंगे। तो ये सियासी जमावड़ा काशी में लगा हुआ है। सभी लोग अपने अपने पार्टियों के वोट के लिए जनसभा, रोड शो और जनसंपर्क जारी है। ठीक है आकाश, आपसे ये जानकारी भी चाहेंगे कि क्या जनसभा को संबोधित करने के बाद सीएम भूपेश बघेल का और कोई कार्यक्रम आज वाराणसी में रहने वाला है? देखिए सुरभि, अभी तक जो प्राप्त जानकारी है, सीएम अभी तक पिंडरा में जनसभा करेंगे। जनसभा करने के बाद शाम तक वो काशी में रहेंगे। हालांकि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी 5 तक यही रहेंगे, तो उसको देखते हुए उनका जो प्रोटोकॉल है उनको चेंज किया गया है। शाम तक क्लियर हो पाएगा कि भूपेश बघेल बनारस में रहेंगे या फिर छत्तीसगढ़ रवाना हो जाएंगे। हालांकि 5 तारीख के बाद चुनाव प्रचार जब थम जाएगा, तब सारे पॉलिटिक्स के बड़े चेहरे, खुद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भी बनारस छोड़ के छत्तीसगढ़ जाएंगे। ठीक है आकाश, एक आखिरी सवाल आपसे कि जो जनसभा फिलहाल सीएम भूपेश बघेल करने जा रहे हैं, क्या उनकी कुछ खास रणनीति पहले से बनाई हुई थी कि किस तरीके से आम जनता को साधने की कोशिश की जाएगी यहाँ पर? क्योंकि जिस तरीके से देखिए, बीजेपी की पकड़ पहले से वाराणसी में बेहद अच्छी पकड़ मानी जाती है बीजेपी की, ऐसे में कांग्रेस के लिए कितना चुनौतीपूर्ण माहौल इसे माना जा सकता है, इसके लिए क्या कोई रणनीति पहले से तैयार है? देखिए बीजेपी का ये तो गढ़ तो है, लेकिन बीजेपी के 5 सीट खतरे में है। हालांकि बनारस में 3 मंत्री है, माफ करिएगा, 3 मंत्री है जिनका साख दांव पे लगा है। दक्षिणी विधानसभा खुद राज्य मंत्री नीलकंठ तिवारी, जो धर्मांतर मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के हैं, कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जो शिवपुर विधानसभा से लड़ रहे हैं, उत्तरी विधानसभा से राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल भी है चुनावी दंगल में। वही पिंडरा की बात की जाए तो पिंडरा का माहौल कांग्रेस प्रत्याशी अजय राय के खेमे में जा रहा है, क्योंकि अजय राय पिछले 3 से 4 बार वहां के विधायक रहे। 2017 में उनको हार मिली, लेकिन काशी की जनता, पिंडरा की विधानसभा की जनता है, वो अजय राय को ही
वहाँ का विधायक सुनना चाहती क्या कि क्योंकि लगातार ग्राउंड सर्वे या मीडिया सर्वे में पिंडरा में अजय राय का ही नाम आगे आ रहा है। वैकंठ विधानसभा से पूर्व सांसद राजेश मिश्रा कांग्रेस के प्रत्याशी है, तो ये भी कांटे की टक्कर है क्योंकि वहाँ पे 7 से 8 साल तक लगातार बीजेपी का प्रत्याशी एक ही परिवार का बनता आ रहा है। तो इस बार कैंट से खुद कांग्रेस ने पूर्व सांसद को दावे मैदान में उतारा है। तो कुल मिलाकर 10 मार्च को ईवीएम का जब बटन खुलेगा तो मालूम चलेगा कि कौन प्रत्याशी आगे है कौन पीछे है। चलिए ठीक आकाश, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।